हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा अच्छे होंगे। तो आज आप लोग जो ये सीलिंग फैन देख रहे हैं, आज मैं इसकी पूरी सर्जरी करने वाला हूं। और इसकी आज मैं जो इसमें दो बेयरिंग होता है 6202 और 6201, तो इसमें दो बेयरिंग होता है, उनको मैं आप लोगों को चेंज करके बताऊँगा। और इसके अलावा इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये कनेक्शन जो है ये हम दो तरीके से आप लोगों को बताएंगे। एक तो ये जो हमारे पास मल्टीमीटर देख रहे हैं इसकी सहायता से आप लोगों को बताऊंगा, और उसके अलावा ये हमारे पास सीरीज लैंप है इसकी भी सहायता से आप लोगों को कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग वायर पहचानेंगे। उसके अलावा जो इन दोनों वायरों में कैपेसिटर लगेगा ये भी हम समझेंगे। तो चलिए इसके हम सबसे पहले पंखुड़ी खोल लेते हैं। तो ये कवर इसका हमने निकाल दिया है, और ये देखो कैसे एकदम खिसट रहा है। ये जब चल रहा था पंखा तो जो कस्टमर है वो ज़्यादा परेशान हो गया था, इसकी आवाज़ इतनी भयंकर ची ची की आवाज़ आ रही थी, सो नहीं पा रहा था। तो मेरे से बोला भैया इसको सही करो कैसे भी, तो हमने कहा इसकी वायरिंग ख़राब है, वायरिंग चेंज करनी पड़ेंगी। तो बोला ठीक है वायरिंग चेंज कर दीजिए। इसमें जो ये नीचे है वायरिंग, नीचे के पोर्शन में ये 6201 लगती है, और जो ऊपर है इसमें 6202 लगती है वायरिंग। तो दो वायरिंग इसमें लगती हैं। तो अब हम इन नटों को भी खोल लेंगे। तो खोलने से पहले एक बार आप ये देख लीजिए अभी कि ये जो नट्स हैं ये कितने कितने टाइट हैं, यानी कि कितने कितने बाहर निकले हुए हैं, ताकि जब आप इसको दोबारा जब फिट करें तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमें इतना ही सारे नट्स को टाइट करना है, नहीं तो आप ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर कॉइल सही से सेट नहीं होगा और पंखा आपका फ्री नहीं घूमेगा। तो इन नटों को हमने देख लिया है, यानी कि दो दो चूड़ी बाहर निकले हुए हैं, तो इसको अभी खोल लेंगे। ये देखिए इसकी बेयरिंग की हालत, पूरा जंग लग चुका है, और ये देखिए घुमाने से भी ये घूम नहीं रही है। अरे देख लो उंगली से इसको घुमा रहे हैं फिर भी ये घूम नहीं रहे, पूरा जंग लग के एकदम बेकार हो गई है। इसमें क्या है, बीच बीच में अगर ग्रीसिंग होती रहे तो इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अब क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता इस पर, ना कभी कोई तेल डालेगा और ना ही ग्रीसिंग कराएगा, तो यही हाल होना है। इसलिए पंखों की सीजन में सर्विसिंग कराना ज़रूरी होता है। अब जो है हल्का सा झटका ऐसे इसको उल्टा करके हल्का सा मारेंगे, क्योंकि तार यहाँ पे देखे लगे हुए हैं और ज़्यादा तेज मारेंगे तो तार कट हो सकते हैं, इसलिए हल्का सा यहाँ पे मार दीजिए ये, और फिर इसके बाद इन तारों को आप यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए आराम से निकल गया। ये जो कॉइल है इसका बहुत ज़बरदस्त कॉइल है, काफ़ी वेट में।
कॉयल जितना अच्छा होगा पंखा उतना ही बढ़िया स्मूथली चलेगा। ये इसकी कॉयल हमें बहुत अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक ये चलता है एकदम साइलेंट होकर चलता है, लेकिन जब वायरिंग वगैरह ख़राब हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत करता है, तब तो फिर आपको चेंज कराना पड़ेगा। ये इसमें एक प्लास्टिक का सेफ्टी लगा होता है ऊपर से, ताकि ग्रीस या फिर तेल वगैरह बाहर ना जाए। तो अभी इसको निकालने के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे वायरिंग है। ये देखिए, ये जो 6602 है ये बड़ा वायरिंग है, इसकी भी हालत आप लोग देख सकते हैं, एकदम काला पड़ गया है। तो जब भी बैरिंग आप चेंज करें तो दोनों एक साथ चेंज कर दीजिए। एक साथ चेंज करने से फिर उसका बैलेंस मिल जाता है। अगर आप सोचेंगे यार ये वाली तो इतना ख़राब नहीं है, चल जाएगी, क्योंकि जब पुराना हो जाता है बैरिंग तो थोड़ा बड़ा घिस जाता है, सही भी रहेगा लेकिन वो घिस जाता है, जिससे आपका नए के साथ में मैच नहीं हो पाता है। तो जब भी आप वायरिंग चेंज करें तो दोनों एक साथ चेंज कर दें, तो दोनों नया वायरिंग होगा और दोनों का जो बैलेंस है वो बढ़िया सा रहता है, और फिर उसमें आपका पंखा आवाज़ भी नहीं करेगा और एकदम स्मूथ भी वर्क करेगा। तो इसको भी हम अभी निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो लास्टिक है इसका ऊपर का जो कवर है, इसको हम किसी उससे तोड़ देंगे। ये देखिए ये निकल गया। अब इसके बाद ये बैरिंग को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो बैरिंग निकालने के लिए आपको इस टाइप का एक बनाना पड़ेगा। ये देखिए हमने अलग से बना रखा है, एक इसमें अलग से नट लगाया है, तो ये जो नट है ये बैरिंग के ऊपर रह जाएगा। ऐसे रखेंगे और एक दो बार हथौड़ी से ऐसे मारेंगे इसको, बैरिंग नीचे निकल जाएगा। ये देखिए आसानी से बैरिंग निकल गया। तो एक तो ये वायरिंग हमने निकाल दिया और इसको रखेंगे साइड में। तो ये जो ऊपर वाला वायरिंग है इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितनी आसानी से निकल गया। लेकिन जो दूसरा वाला वायरिंग है 6601, इसको निकालने में बहुत दिक्कत है। इसको अभी ये जो छोटा वाला वायरिंग है इसको निकालने के लिए आप देखिए दूसरी तरफ इसमें पूरा मतलब ऊपर से पूरा पैक रहता है, तो इधर से तो कुछ जुगाड़ है नहीं कि इधर से मार दें हम, क्योंकि पूरा इधर से बंद रहता है और इसी तरफ से ही आपको निकालना है। तो यह तो एक दो चीज़ से निकालते, या तो पुलर्स की मदद से निकाल सकते हैं, और दूसरा चीज़ है ये हमारे पास कैंडल है तो कैंडल से भी हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। पुलर से हम इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो इसकी बॉडी है वो चिकनी मिट्टी का कस्टर्ड ऐसे कुछ नाम है इसका, उसका बना हुआ है, और अगर हम इसमें डाल के थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे तो ये बॉडी इसकी टूट सकती है, तो इसलिए हम पुलर से इसको नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये जो कैंडल है इसको हम, ये जो आप बेयरिंग का होल देख रहे हैं इसके अंदर हम हथौड़ी से दबाते जाएंगे, और ये हमारे पास नट है इससे भी हम इससे पहले कैंडल को इसमें लगाएंगे और फिर इस नट से ठोकते चले जाएंगे, तो जो कैंडल है वो बेयरिंग के नीचे घुसता जाएगा और बेयरिंग ऊपर उठ जाएगी, और उठ जाएगी फिर निकल आएगी। तो चलिए हम इसको वैसे ही निकाल लेते हैं कैंडल से। तो ये जो कैंडल है ये तो मोटा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इसमें डालना पड़ेगा। ये है टुकड़ा और इसको हम ऐसे ही दबाते चले जाएंगे। तो आपका कम से कम एक कैंडल तो लग ही जाना है इसमें।
ये देखें ये निकल गई। कैंडल भी बाद में यूज में ले सकते हैं। इसके नंबर्स ये बेयरिंग के किनारे वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं इसमें लिखे होते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है 6202। तो ये है इसकी बेयरिंग और इन दोनों को अब हम डाल देते हैं। जो आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा वाला बेयरिंग है ये 6502 है और ये जो छोटा वाला बेयरिंग है ये 6201। इसको हम नीचे यानी कि इस वाले में डालेंगे, ये जो नीचे का जो ढक्कन था इसमें डालेंगे और ऊपर वाले में हम ये जो ऊपर हमारा रखता है इसमें हम ये 6202 डालेंगे। तो ये भी बेयरिंग हमारी लग गई है, आप ऐसे करके देख लीजिए तो ये इसके बराबर ही है, ये बॉडी जो किनारे वाली है इसके बराबर, ये भी ऐसे ही है। अभी इसको फिट करते हैं। तो ये अभी जो सीलिंग फैन है इसमें हमने बेयरिंग डाल कर इसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके कनेक्शन करना आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कनेक्शन करने के लिए हमारे पास दो तरह से हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। एक सीरीज लैंप से इसके तीन वायरों को हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा है और रनिंग और स्टार्टिंग के वायर कौन से हैं। तो कॉमन वायर जो हमारा होता है उसमें हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और जो रनिंग और स्टार्टिंग के दो वायर होते हैं इनमें हम कैपेसिटर दोनों लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें रनिंग वाले वायर को पहचान के उसमें हमें मेन सप्लाई का दूसरा तार जोड़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके तीन तारों में सबसे पहले हम कॉमन और कैपेसिटर के कौन से वायर हैं ये हम जान लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले ये हमारे पास मल्टीमीटर है और इसको हम कंटिन्यूटी में रखे हुए हैं और कंटिन्यूटी में रख के इसको हम इसके रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि जिन दो तारों में सबसे कम रेजिस्टेंस मिलती है वो हमारे कैपेसिटर के हो जाते हैं। तो चलिए हम तीनों तारों को सबसे पहले हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले से शुरुआत करते हैं, ये जो हमारा वाइट कलर का है
इसमें हम एक लगाएंगे और एक हम ब्लू वाले में लगाएंगे। तो ये 320 21 रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ये कैपेसिटर के नहीं है। और इसमें लगाते हैं तो 179, इसमें भी ज़्यादा दे रहा है। और फिर इसको हम हटा देंगे, इन दोनों को आपस में लाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे एक पॉइंट भी नहीं दे रहा, यानी कि 0.498। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैपेसिटर के हो जाएंगे। और जो हमारा ये दोनों हमारे कैपेसिटर के हो गए, और जो हमारा एक वायर बचता है ये हो जाएगा हमारा कामन का जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो दो तार हमें मिले थे जिनमें हमें सबसे कम रेजिस्टेंस मिली थी, इन दोनों तारों में हम कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो ये हमने इसमें जोड़ दिया, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन वायर बचता है, एक ये हमारा कॉमन वायर है, तो जो हम बाहर से सप्लाई लेके आएंगे दो तारों में हमारी फेस और न्यूट्रल आता है, तो एक में तो हम इसमें एक वायर हम इसमें जोड़ देंगे कॉमन में, और एक वायर हमें इन दोनों में से पहचानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन से में आ रही है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी वो हमारा रनिंग का वायर हो जाएगा, और रनिंग के वायर में ही हमें मेन सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ना है। तो ये हम एक नॉब हम कॉमन में रख लेंगे और एक हम इसमें रख लेंगे, इसमें रख लिया। तो ये देखिए ये 321 आ रहा है इसमें, और दूसरे वाले में देखते हैं इसमें आ रहा है 179, यानी कि आधा आ रहा है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग का, और ये जो जिसमें ज़्यादा दिखा रहा है ये हमारा रनिंग का हो जाएगा, और इसमें हम जो दूसरा वायर है सप्लाई का वो इसमें जोड़ेंगे, इस वाले में। ये हमारा रनिंग का वायर हो गया, यानी कि जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा रनिंग का है, और ये जो रेड कलर का वायर है ये हमारा स्टार्टिंग का है। तो अगर हम एक तार तो इसमें कॉमन में जोड़ रखे हैं, और दूसरा जब हम रनिंग वाले में जोड़ेंगे तो हमारा जो फ़ैन है वो सीधा घूमेगा, और अगर हम स्टार्टिंग वाले में लगा देंगे तो फ़ैन हमारा उल्टा घूमेगा। तो अगर आपके पास मल्टीमीटर ना भी हो तो आपको कॉमन वायर पहचानना होगा। तो कॉमन वायर पहचानेंगे कैसे, मल्टीमीटर भी नहीं, उससे भी नहीं पहचानेंगे, तो एक और तरीका है सीरीज लैंप से। तो सीरीज लैंप से भी हम आपको बताते हैं। तो इन दोनों को अभी हम हटा देंगे और सीरीज लैंप से हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारा, ये हमने सीरीज लैंप का एक ये बोर्ड बना रखा है, और सीरीज लैंप का ये जो सॉकेट है इनमें हम इन दोनों तारों को लगा देंगे। दोनों को लगा दिया, और जब हम इसे आपस में मिलाएंगे तो ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किन दोनों तारों में सबसे कम बल्ब ग्लो करता है। तो जिन दोनों तारों में सबसे कम बल्ब ग्लो करेगा वो हमारे किसके हो जाएंगे, कैपेसिटर के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम इस वाले में एक तार को लगाते हैं और एक तार लगाते हैं इसमें। तो इसमें बल्ब काफ़ी तेज़ जल रहा है, तो ये तो नहीं है, इसमें लगाते हैं, इसमें थोड़ा धीरे जल रहा है लेकिन बिल्कुल कम नहीं जल रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ये हम इसको हटा देंगे और इन दोनों तारों को फिर दोनों को इसमें जोड़ के देखते हैं। ये देखिए इसमें सबसे कम जल रहा है, खाली स्प्रिंग जल रही है, देख लीजिए आप, है ना। तो ये जो दो तार हैं जिनमें सबसे कम बल्ब ग्लो करता है वो हमारे कैपेसिटर के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लीजिए ये दो तार हैं हमारे, इसमें सबसे कम बल्ब जल रहा था, है ना, ये हमारे दोनों कैपेसिटर के हो गए। और अब हमें इसमें रनिंग का वायर पहचानना है कि रनिंग का कौन सा है। तो आपने उसमें देखा होगा मल्टीमीटर से जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बता रही थी वो हमारा रनिंग का था, तो जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बताती है उसमें हमारा बल्ब
कम ग्लो करेगा। तो ये सपोज दैट हमारा कामन का है, इसको हमने कामन, ये हमारा कामन का हो गया, और इन दोनों तारों में हम बारी बारी से चेक कर लेंगे कि इस दोनों में सबसे कम बल्ब किस में जलता है। तो सबसे पहले हम इसमें तेज जल रहा है, और फिर इसमें चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसमें कम जल रहा है, मतलब ये इसकी वनस्पति, इसमें ज़्यादा तेज जल रहा है और इसमें कम जल रहा है। तो ये हमारा काहे का हो जाएगा, रनिंग का हो जाएगा, इसमें हमारा दूसरा वायर सप्लाई का जुड़ेगा और एक वायर हमारा इसमें कामन में जुड़ेगा। आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे हम इसमें कनेक्शन जोड़ते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम वैसे कर लेते हैं। ये दोनों हमारे तार कैपेसिटर के हैं, तो इसमें हम कैपेसिटर जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये हम फटाफट जोड़ लेंगे। और ये हमारा कामन का, तो कामन का हम अलग रखेंगे। कामन का हम यहाँ पे जोड़ देंगे सबसे ऊपर। और इसके बाद जो हमारा ज़्यादा जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा था, या फिर हमारा जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस शो कर रही थी, वो ये हमारा रेड वाला है, तो इसको हम बीच में लगाएंगे। और इसको हम सबसे नीचे लगाएंगे, इसमें हम सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ेंगे। तो अब हम फटाफट इसमें सप्लाई भी जोड़ के देख लेते हैं। वन था, इसमें हमने जोड़ दिया। और एक को हम नीचे जोड़ेंगे। और सप्लाई देख के देखते हैं इसमें। सीरीज में पहले लगाएंगे। ये देखिए हमारा फैन सीधा घूम रहा है, हमारे का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ओके है। तो यही था सीलिंग फैन में बियरिंग चेंज करना और इसके कनेक्शन को पहचानने का सही तरीका, जिसे मैंने आप लोगों को दो तरीके से समझा दिया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।